नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर। यूपी को मिला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा, पीएम मोदी ने किया एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, जनसभा को किया संबोधित, लोगों की उमड़ी भीड़, एयर शो देखने पहुंचे लोग। कैग का पहला ऑडिट दिवस आज, कैग मुख्यालय में पीएम मोदी ने किया सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण, कार्यक्रम को किया संबोधित, लोगों को दी ऑडिट दिवस की बधाई। आज भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, 50 से ज्यादा हमारे भारतीय यूनिकॉर्न खड़े हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सपा के कार्यकर्ताओं ने किया लोकार्पण, सपा के पूर्व विधायक ने काटा फीता, एक्सप्रेसवे पर निकाली साइकिल यात्रा, सपा कार्यकर्ताओं ने फूल बरसा कर किया स्वागत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव का पीएम पर तंज, गुणवत्ता को लेकर उठाए सवाल, कहा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार बढ़ाने से हो जाएगा कमर और पेट में दर्द। सलमान खुर्शीद की किताब पर घमासान जारी, खुर्शीद के घर पर हुई तोड़फोड़ और आगजनी, मामले में खुर्शीद ने दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा हिंदुत्व देखना है तो मेरा जला घर देखिए। प्रदूषण के चलते दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब, आनंद विहार का AQI 433 दर्ज, गाजियाबाद का AQI 335 दर्ज हुआ, प्रदूषण के 27 शहरों में से 22 शहर NCR के। प्रदूषण पर बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, कहा दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, इनमें से एक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान है जिसे 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। नवाब मलिक का फिर वानखेड़े पर आरोप, कहा समीर वानखेड़े ने मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फर्जी छापेमारी कर फंसाया है, उनका इरादा आर्यन को फंसा कर शाहरुख से वसूली करने का था। ओवैसी का ऐलान, 2 महीने में शुरू होगी AIMIM की राजस्थान इकाई, कहा कि पार्टी प्रदेश इकाई यहां के मुसलमानों और दलितों के लिए काम पर ध्यान केंद्रित करेगी, देश को मजबूत करने के लिए मुसलमानों के एक स्वतंत्र नेतृत्व के तैयार करना जरूरी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई गिरावट, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे के अंदर देश में 8,865 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि, जबकि सोमवार को 10,229 कोरोना मामले आए थे सामने। बिहार के लखीसराय में भीषण सड़क हादसा, मौके पर 6 लोगों की मौत, मरने वाले 6 लोगों में से 2 महिलाएं भी शामिल, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फटाफट खबरों में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।